तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन के एक छोटे समर स्लैम पेपर व्यू के बारे में या फिर कहूँगा एक छोटे रेसलमेनिया के बारे में जो कि आज हुआ था AEW कंपनी के अंदर, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ AEW ऑल आउट के बारे में जो कि नो डाउट एक बहुत ही बेहतरीन AEW कंपनी की तरफ से पेपर व्यू था। एंड यू नो AEW कंपनी को मैं पसंद सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके जो मैचेस होते हैं वो सही में बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। इनफैक्ट आज हुआ था जॉन मॉक्सली वर्सेस MJF के बीच एक बहुत ही तगड़ा AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। तो इस वाले मैच के अंदर कौन जीता, क्या जॉन मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाए या फिर नहीं, इसके बारे में तो करूंगा बात। इसके अलावा 21 मैन कैसीनो बैटल रॉयल भी होता आज के AEW ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर, जो विनर होता उसको आने वाले टाइम में AEW वर्ल्ड टाइटल का मिलता शॉट। तो भाई कौन जीता उस वाले मैच में। इसके अलावा जितने भी आज के शो के अंदर मैच हुए जेरिको वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, इसके अलावा डॉक ऑर्डर का भी हुआ था मैच, इन सारी चीजों के बारे में करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर बात। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलेंगी AEW ऑल आउट पेपर व्यू की सारी हाइलाइट्स पूरी की पूरी हिंदी के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के ऑल आउट पेपर व्यू के शो की शुरुआत होती है एक सिंगल्स मैच के साथ जहां पर हमें जॉय जेनेला जो कि सोने के इसके साथ होते हैं फेस करते हुए नजर आते हैं सरपंच सिटीज को जिनकी साइड पर थे रिंग साइड पर लूथर। और इस वाले मैच की जो शुरुआत है वो काफी बेहतरीन होती है, जॉय जेनेला की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। लेकिन जो मैच की एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है, जब सरपंच सिटी इस वाले मैच के अंदर जीतने होते हैं फिनिशर अपना लगाने चलते हैं लेकिन जॉय जेनेला उसको करते हैं ब्लॉक, वो अपना एल्बो ड्रॉप लगाते हैं और इस वाले मैच के अंदर सोनी किस जब होती है इनके साथ रिंग साइड पर वो जीत हासिल कर लेते हैं सिंगल्स मैच के अंदर। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक टैग टीम एक्शन हमें दिखाई देता है जहां पर डार्क ऑर्डर हमें फेस करते हुए नजर आते हैं प्राइवेट पार्टी का। डार्क ऑर्डर की तरफ से जो मेंबर होते हैं वो 3 और 4 होते हैं, यानी कि जॉन सिल्वर एंड एलेक्स रेनॉल्ड्स होते हैं। और इस वाले जो मैच है मैं कहता हूं पूरे टैग टीम के एक्शन था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, बहुत ही ज्यादा इनसेन एक्शन था। लेकिन इस वाले मैच की एंडिंग अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो आखिरी में प्राइवेट पार्टी है वो अपना फिनिशर लगा देती है गिन एंड जूस, और उसके बाद जो प्राइवेट पार्टी है वो इस टैग टीम एक्शन के अंदर हमें जीत हासिल करते हुए भी नजर आती है। लेकिन उसके बाद जो अगला मैच है वो हमें इस बार दिखाई देता है टूथ एंड नेल मैच जो कि होता है इस बार ब्रिट बेकर एंड बिग स्वॉल के बीच। जो मैच था मुझे स्टार्टिंग से बहुत वियर टाइप लगा, एक तो बैक स्टेज पे मैच शुरू होता है यहाँ पर जो ब्रिट बेकर है वो पता नहीं पूरे मैच के अंदर जैसे होते ही नहीं है और ज्यादातर बिग स्वॉल है पूरे मैच के अंदर दिखाते हैं अपनी डोमिनेशन। मैच की एंडिंग बिल्कुल इस तरीके से होती है जब रेफरी रोक देते हैं मैच को और बिग स्वॉल की इस मैच के अंदर जीत हो जाती है क्योंकि रेफरी ने इस मैच को रोक दिया था। तो यानी कि कोई काउंट आउट सबमिशन टाइप नहीं हुआ बल्कि रेफरी के कहने पर इस वाले मैच की एंडिंग हमें दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होता है वो एक टैग टीम एक्शन होता है जहां पर द यंग बक्स हमें जुरासिक एक्सप्रेस का फेस करते हुए नजर आते हैं। मैच के बीच के अंदर मैट जैक्सन की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी सुपर किक भी आती है जो कि स्टार को पॉइंट को पड़ती है। और इस पूरे मैच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं जो कह सकते हैं यंग बक्स है उनकी ही पूरी डोमिनेंस होती है और मैच के एंडिंग के अंदर भी इस टैग टीम एक्शन के अंदर यंग बक्स की हो जाती है जीत जब वो अपना एक टैग टीम फिनिशर लगाते हैं और इस वाले मैच के अंदर सामने वाले अपोनेंट्स को अपने हरा देते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि इस बार होता है 20 मेंस कैसीनो बैटल रॉयल, जो विनर होता उसको आने वाले टाइम में मिलेगी AEW वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी। और इस बार जो कैसीनो बैटल रॉयल उसके हमें नजर आता है फाइव प्लेयर जहां पर हमें दिखाई देते हैं रिंग के अंदर ट्रेंट डैनियल्स जैक हैगर द ब्लेड एंड री फिनिक्स। मैच स्टार्ट हो जाता है जो कैसीनो पूरा बैटल रॉयल है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है हमें 5 सुपरस्टार्स की अलग से दिखाई देती है जो कि इस बार होते हैं कैसे रायन विल हॉब्स चक टेलर सेंटाना एंड ओर्टेज की तरफ से। उसके बाद जो आगे वाले और बंदे होते हैं वो इस बार होते हैं बिली बाकी रिक स्टार्ट ब्रेन केज डेरवी एलन, ये सब मैच के अंदर आ जाते हैं। मैच की जो एंडिंग होती है लेकिन कुछ इस तरीके से होती है जब हमें क्या दिखाई देता है आखिरी में जो मैं कह सकता जोकर वाली एंट्री होती है वो इस बार मैट सेडल की तरफ से होती है। मैट सेडल का डेब्यू तो होता है AEW कंपनी के इस बैटल रॉयल के अंदर लेकिन आने के तुरंत बाद उनका एक बॉच भी होता है जो कि एक बॉच फ्लिप होती है, वो मारते कहीं और जो बंदा है वो कहीं और पे ही गिर जाता है। और मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है जब जो लेंसर आर्चर है वो हमें जीते हुए नजर आते हैं और आखिरी में वो एडी किंगस्टन को फेंक देते हैं और आने वाले टाइम में लेंसर आर्चर को मिलने वाली है एक AEW वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी। इसके बाद होता है मैट हार्डी वर्सेस सेमी गरेवा के बीच एक मैच जो कि होता है ब्रोकन रूल्स मैच जो कि नो डाउट एक मैच एक बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और इस वाले पूरे मैच के अंदर मैं कह सकता हूँ ब्रोकन मैट आर्डी का एक अलग ही रूप हमें दिखाई देता है और यहाँ पर पूरे मैच के अंदर जो सेमी गरेवा है उनका मैं कह सकता हूँ पिटते हुए ही नजर आते हैं। और मैच के एंडिंग के अंदर भी हमें ब्रोकन मैट आर्डी की जीत दिखाई दी जाती है जब वो इस वाले मैच के अंदर हमें सेमी गरेवा को हराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमें मैच दिखाई देता है वो होता है AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच यानी कि वुमेन्स के वर्ल्ड टाइटल का मैच जहाँ पर इस बार हिकारू शीडा हमें थंडर रोजा का फेस करते हुए नजर आती है और अपनी चैंपियनशिप को इस वाले मैच के अंदर डिफेंड करते हुए नजर आती है। जो मैच है बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है लेकिन मैच एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं जो जीत है वो हो जाती है हिकारू शीडा की तरफ से और वो अपनी चैंपियनशिप को इस वाले मैच के अंदर कर लेती है रिटेन जब वो आखिरी के अंदर लगाते हैं रनिंग नी और उसके बाद 1, 2 एंड 3 वो अपनी चैंपियनशिप को कर लेती है रिटेन। लेकिन इसके बाद जो हमें मैच दिखाई देता है वो इस बार था डार्क ऑर्डर जहां पर डार्क ऑर्डर की तरफ से हमें ब्रूडली कॉल
कर्ट कोबेन, इविल यूनो एंड ग्रेसन फेस करते हुए नजर आते हैं। इस बार द नेचुरल नाइटमेयर यानी कि ब्रैंडी रोड्स, एलियन, मार्ट कोडाना एंड स्कॉर्पियंस काय का जो मैच है बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है। और मेरे हिसाब से आप सभी पहले से जानते हो कि इस वाले मैच के अंदर कौन जीतेगा, क्योंकि मैच के एंडिंग के अंदर हमें जो जीत है वो इस बार दिखाई देती है द नेचुरल नाइटमेयर की तरफ से, जब वो द डार्क ऑर्डर्स को हरा देते हैं। और इस मैच के जस्ट खत्म होने के बाद जो डस्टिन रोड्स है वो बात अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि वो नेक्स्ट वीक हमें ब्रूडली को चैलेंज करते हुए नजर आने वाले हैं टीएनटी चैंपियनशिप के लिए। और देखने में मजा ये आने वाला कि सही में डस्टिन रोड्स न्यू चैंपियन बन पाते हैं या फिर नहीं अगले हफ्ते ईईडब्ल्यू के डायनामाइट के शो के अंदर। लेकिन इसके बाद जो हम सभी को मैच दिखाई देता है वो होता है एक टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जो कि होती है ईईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से। और यहां पर हैंगमैन पेज एंड केनी ओमेगा फेस करते हुए नजर आते हैं, अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं एफटीआर यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू फॉर्मर सुपरस्टार्स द रिवाइवल के खिलाफ। ये जो मैच है बहुत ज्यादा कमाल का जाता है और मेरे हिसाब से हम सभी ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाले मैच की एंडिंग के अंदर न्यू चैंपियंस हमें दिखाई देंगे, जो कि इस बार एफटीआर थे। और इस वाले मैच की एंडिंग भी कुछ इस तरीके से होती है, जब एफटीआर हमें जीते हुए नजर आते हैं और केनी ओमेगा सब छोड़ छाड़ के यहां से भाग जाते हैं जैसे ही वो अपनी चैंपियनशिप हारते हैं। लगता है ऐसे कि केनी ओमेगा का आने वाले टाइम में हील टर्न भी होने वाला है। एंड इसके बाद हम सभी को एक काफी कमाल का मैच भी दिखाई देता है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मैच होता है क्रिस जेरिको वर्सेस ऑरेंज कैसिडी के बीच एक मिमोसा मेहम मैच। एक्चुअली में इस मैच के कुछ रूल्स इस तरीके से थे, जो मिमोसा था यानी कि जो पूरा ड्रिंक वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो रिंग साइड पर एक पूल टाइप के अंदर पड़ा होता है और जो अपोनेंट था बस आपको उसके अंदर उस पर धक्का देना था। और ये जो मैच की शुरुआत है कुछ इस तरीके से होती है, ऑरेंज कैसिडी लगातार ट्राई करते हैं क्रिस जेरिको को उस पूरे पूल के अंदर फेंक दें, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर भी क्रिस जेरिको जो है वह हमें हारते हुए नजर आता है, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी उनको फेंक देते हैं उस पूरे पूल के अंदर और ऑरेंज कैसिडी ने एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली जेरिको के खिलाफ आज के ऑल आउट के पेपर व्यू के अंदर। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली फेस करते हुए नजर आते हैं एमजेएफ का। एमजेएफ के साथ होते हैं वॉडलू और ये मैच होता है एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आप सभी को पता होगा कि इस वाले मैच के अंदर जो पैराडम शिफ्ट था यानी कि जो जॉन मॉक्सली का फिनिशर था वो ऑलरेडी बैन था, लेकिन इस वाले मैच की एंडिंग हम लोग क्या देखते हैं, जो जॉन मॉक्सली वो अपना फिनिशर लगाने के बाद ही चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है जो वॉडलू है वो सोचते हैं कि वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और यहां पर जो एमजेएफ है वो अपना फिनिशर लगा देंगे, लेकिन होता क्या है रेफरी डिस्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं लेकिन जॉन मॉक्सली एमजेएफ का फिनिशर काउंटर करने के बाद अपना पैराडम शिफ्ट लगा देते हैं। इस वाले मैच के अंदर हमें वो अपनी एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी रिटेन करते हुए नजर आते हैं। तो देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर तो जॉन मॉक्सली को इतनी लंबी टाइटल रेन मिली नहीं, तो देखते हैं एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनके पास एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल कब तक हमें टिकते हुए नजर आती है। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई तो फोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई पूरे टाइम पे तो मैं फोन के अंदर ही देखता रहा, तो एक्चुअली में आप जानते हो कि एईडब्ल्यू कंपनी के जो सुपरस्टार्स के नेम है वो काफी ज्यादा वियर टाइप है, तो इसलिए भाई ऐसा करना पड़ता है। इसके अलावा आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।